नमस्कार, आज हम बनाएंगे बेसन पापड़ी। ये होली के त्योहार पर बनाई जाती है, लेकिन इतनी टेस्टी होती है, इन्हें आप कभी भी बना सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक रखकर खाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। ये हमने 1/4 कप उड़द की दाल को 1 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है, एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है। ट्रेडिशनली बेसन में उड़द दाल का आटा मिलाया जाता है, लेकिन उड़द दाल का आटा हमारे घरों में होता ही नहीं है और आसपास भी नहीं मिलता, तो उसकी जगह हम उड़द दाल को भिगोकर पीस कर ले लेते हैं। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। देखिए, एकदम बारीक दाल पीस कर तैयार हो गई है। ये प्याले में हमने 1.5 कप बेसन ले लिया है और जो उड़द की दाल को हमने एकदम बारीक पीसा है वो इसी बेसन में डाल देते हैं। और ये 2 टेबल स्पून तेल, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे, और ये क्रश्ड काली मिर्च 1/4 छोटी चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 छोटी चम्मच, मिर्च आप अपने पसंद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1 पिंच हींग, और ये 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं पहले, और अब हम इसका थोड़ा सा सख्त डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, लेकिन नरम डो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसे पतला बेलना है। बेसन में बाइंडिंग लाने के लिए हमने उड़द की दाल भिगोकर पीसकर मिलाई है। हम चाहें तो इसमें मैदा भी मिला सकते हैं, 1/4 कप मैदा इसमें डालकर मिला लें, उससे भी बाइंडिंग आ जाती है और पपड़ी अच्छे से बेल जाती है। लेकिन उड़द की दाल की पपड़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है और हमारी पपड़ी ग्लूटेन फ्री भी बनेगी। ये हमारा डो तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और एकदम सॉफ्ट नहीं है, और इतना डो लगाने में हमने 2 टेबल स्पून पानी का यूज किया है। इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेंगे और आटे को हम थोड़ा और मस लेंगे। और अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। उसके लिए इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और इस तरीके से लंबाई में बढ़ा लेते हैं, और इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा और अच्छी शेप दे देते हैं। और अब छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेंगे। और ये जो डो बचा है इससे भी हम इसी तरह के पीसेस काट लेते हैं। ये हमारी लोइयां तैयार हो गई, तो इसमें से हम 1 लोई उठा लेते हैं और इसको थोड़ा सा बेलते हैं, हाथ से दबा लेंगे। जैसे ये बोर्ड पर चिपकने लगेगा हम इसे सूखे बेसन में लपेट लेंगे और पतला बेलेंगे, एकदम किनारे दबाते हुए बेलेंगे। बीच में से पतला और किनारे मोटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसा बेलना है। बहुत आसानी से बेला जा रहा है ये। ये देखिए कितना पतला हमने बेला है इसे। इधर हम तेल गरम करने रख देते हैं। इसी तरीके से हमें सारी लोइयां बेलनी है। ये बिल्कुल पापड़ जैसा पतला ही बेलना होता है, एक तरह के पापड़ ही है जो कि तुरंत तल कर रख दिए जाते हैं और जब मन हो तब खा लिए जाते हैं। इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर हाथ ले जाएं तो हीट आ रही है हमारे हाथ पर, तेल गर्म है, और जो हमने पहले बेले हैं उनका नंबर पहले, उन्हें हम पहले तलेंगे। एक पपड़ी को हम तेल में डालते हैं। देखिए कितनी अच्छी सिक रही है ये पपड़ी, एकदम फूल के ऊपर आ गई है। तेल एकदम परफेक्ट गर्म है और फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे, और हमें इसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है।
बस एक दो बार इस तरीके से पलट देना है। तो एक एक पपड़ी को हम इस तरीके से तलकर निकालते जाएंगे। इन्हें हमने तलकर तैयार कर लिया और एक पापड़ी को तलने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। इतने डोसे 28 से 30 पापड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। बेसन पापड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। इन्हें आप ऐसे ही कुटकुट करते हुए खा सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ में चटनी और सॉस भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी लगते हैं और इन्हें पूरे तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। पूरे 1-2 महीने तक खाते रहिए। बनाना तो आसान है ही, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।